नमस्कार, BCN न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। टोक्यो ओलंपिक महिला हॉकी में भारत की जीत, आयरलैंड को 1-0 से हराया। बीते 24 घंटे में कोविड के 44,230 नए मामले आए सामने, 555 मरीजों की गई जान। शेयर बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स 139 अंक की बढ़त के साथ खुला। बॉक्सिंग में भारत का एक मेडल पक्का, सेमीफाइनल में पहुंची लवलीना बोरगोहेन। विभागीय आयुक्त ने मनपा NIT क्रेडाई के लिए संयुक्त बैठक, धर्मपेट व सतरंगपुरा में सर्वाधिक डेंगू मरीज। शिक्षा उप संचालक ने शिक्षा अधिकारियों को भेजा पत्र, फीस में 50% कटौती करे स्कूल। स्मार्ट सिटी के स्ट्रीट फॉर पीपल्स प्रकल्प में नया फंडा, बर्डी मेन रोड के बीच बैठेंगे हॉकर्स। ऑटो रिक्शा किराया बढ़ाने की मांग, विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन ने RTO को सौंपा ज्ञापन। शहर में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बंदोबस्त में तनाव के बीच हुई कार्रवाई। शेयर बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स 139 अंक की बढ़त के साथ खुला। BCN न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।